लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे आत्मविश्वास में कमी को दूर करने के उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए अब बारी है आज के विशेष महा उपाय की, जहां आचार्य जी हमें बताएंगे कि आत्मविश्वास की कमी को कैसे दूर किया जाए। जी आचार्य जी। जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे दर्शकों ने निरंतर हमसे प्रश्न किया कि हम बहुत सारा काम करते हैं, उनके परिवार में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई बहुत मन से करते हैं, सारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब कभी इंटरव्यू की बात आती है या कभी किसी को फेस करने की बात आती है तो अचानक से आत्मविश्वास की कमी का अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं, पहले तो हम लोग उसकी समस्या पर बात करेंगे कि उसकी समस्या का मूल कारण क्या है, उसकी मूल वजह क्या होती है और उसका निदान किस प्रकार से करना चाहिए। बहुत अच्छे से इस विषय को समझने की आवश्यकता है, और अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो इन समस्याओं को आप चुटकियों में दूर कर सकते हैं, आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रह सकते हैं। ध्यान ये रखना होगा कि आपका आत्मविश्वास जो है वह शुभ मायनों में बना रहे, अति आत्मविश्वास भी कई बार घातक हो जाता है। तो इस उपाय को किस प्रकार से करना है आप भली भांति स्वयं अपने लिए अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कई बार किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कई सारे कारण पाए जाते हैं। मूलतः आत्मविश्वास की कमी के लिए मंगल, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति यानी गुरु ग्रह बृहस्पति, गुरु और बुध, ये कुछ प्रमुख ग्रह हैं जिनके कारण से ये समस्याएं होती हैं, यही इसके लिए प्रमुख जिम्मेदार ग्रह हैं। इसके निदान के लिए व्यक्ति की कुंडली को देख करके उसमें बैठे ग्रहों के अनुसार ही इसका उपाय किया जाना चाहिए। यदि आप कुंडली के अनुसार इन ग्रहों का उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। और अगर आप आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं तो विश्वास मानिए कि मंगल, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति, इन चार में से कोई ना कोई एक ग्रह या फिर इनमें से ही किन्हीं ग्रहों का एक ऐसा अशुभ संयोग होगा जिसके कारण आपको ये आत्मविश्वास की कमी का अनुभव हो रहा है, आपको ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो एक ग्रह भी प्रभावित हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी ग्रह प्रभावित हो सकते हैं, उसमें आपको प्रभाव अलग अलग प्रकार से मिलेंगे। तो किस प्रकार से किस ग्रह का निदान करना है ये उस व्यक्ति की विशेष कुंडली देख करके ही पता चलेगा कि किस व्यक्ति के लिए कौन से ग्रह विशेष का निदान किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात यह है बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान, गुण, सामाजिक मान सम्मान, धन देने वाला ग्रह बताया गया। यदि गुरु पीड़ित हो तो व्यक्ति ज्ञान में कम होता है अर्थात अशिक्षित होता है। अगर गुरु पीड़ित है तो उसकी पढ़ाई में भी बहुत सारी बाधाएं आती हैं, व्यक्ति धनहीन होगा, पद प्रतिष्ठा सुख विहीन हो जाता है। और जब व्यक्ति धनहीन, अशिक्षित, पद प्रतिष्ठा तथा सुख से विहीन होगा तो निश्चित सी बात है कि हीन भावना तो उसके अंदर स्वाभाविक सी होगी, हीन भावना से तो वो स्वाभाविक तौर पर ग्रसित होगा और आत्मविश्वास की भी कमी रहेगी। तो ऐसे में उपाय क्या करना चाहिए? उपाय आपको ये करना है कि भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों की सेवा करें तथा गुरु ग्रह के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके यदि आप शांति करा लेते हैं तो आपको फायदा मिलता है। तब बात आ जाती है।